नमस्कार, मैं हूं प्रगति। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सहारनपुर के नगर निगम की घोर लापरवाही दिल्ली रोड पर बने अस्थायी रोडवेज बस स्टैंड पर देखने को मिली, जहां लोग नगर निगम के द्वारा रखे गए पोर्टेबल शौचालयों के बदहाल होने से परेशान हैं। आपको बता दें कि कोर्ट रोड पर बने ब्रिज पर मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिस कारण कांसीराम आवास कॉलोनी में अस्थायी रोडवेज बस स्टैंड बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर नगर निगम की ओर से शौचालय भी रखे गए हैं, जिनके लिए ना तो कोई सफाई की व्यवस्था है और ना ही पानी की। तो वहीं यात्रियों का कहना है कि बने हुए शौचालयों में बेहद गंदगी रहती है, जिससे यात्री खुले में शौच करने को मजबूर है। आइए पूरी खबर जानते हैं सहारनपुर से हमारे संवाददाता फैजान सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। क्या मामला? मामला क्या सर, हम जैसे बाथरूम में लेटरिन में गए, इनमें काफी गंदगी, काफी लेटरिन पड़ी है और कोई सफाई करने के लिए भी शायद आता होगा या नहीं आता होगा। हम तो आए और चले गए, जब भी जाते तो परेशानी यहाँ पे लेडीज को होगी। वहाँ इंसान तो मरे तो कहीं पे भी कर ले लेटरिन बाथरूम अपना, सबसे ज्यादा लेडीज की दिक्कत है। गंदगी है, गंदगी है बहुत बहुत ज्यादा। पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। और टंकियां भी लगवा रखी है, मोटर भी कोई चलाता नहीं है, मोटर भी लग रहा है चलाते नहीं, टंकी भी ऐसे पड़ी है। सबसे ज्यादा यहाँ पानी की व्यवस्था कम है। मेरा नाम फुरकान है, मैं टंपोनियन का प्रधान हूँ और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। महिला खुले में शौच करती है, कई बार शिकायत करी तो अधिकारी छोड़ कर आई हूँ, आज से भी शिकायत कर चुके हूँ। इतनी शरण है कि अगर इसमें आप चले जाएंगे तो आप शाम को रोटी नहीं खा सकते। शौचालय किसके द्वारा रखे? ये नगर निगम के द्वारा रखे हुए, और नगर निगम में हमने कई बार शिकायत भी कर ली, पार्षद को भी कह दिया, कोई नहीं आता है। इतना बुरा हाल है, अगर आप इसमें चले जाओगे, ये टेम्पो वाले जाते हैं हमारे, तो शाम को खाना नहीं खा सकते, इतनी बदबू है। खुले में ऐसे एक दिन ऐसे चद्दर दी मैंने, तब उन्होंने चद्दर बांध के पिशाब किया है औरतों ने, शाम की साइकिल 10-12 औरतें थी, इतनी परेशान थी बेचारी कि पूछो मत। एक दिन एक लेडी ने मुझे उसने कहा, कहने लगे प्रधान जी आप इन्हें इधर ले जाइए थ्री व्हीलर वालों को, और मुझे पिशाब करना, इतना बुरा हाल है। उस बेचारी ने खुले में सोच करा।